and welcome to Gyara Number. I'm your host Fatih, and we are at UCP. I think Vibrant Campus है ये बहुत lush campus है इनका and I really love it. आप देख सकते हैं मेरे पीछे Grand University है, बहुत ज़्यादा students हैं. तो I hope कि हमें वो you know जो common student हैं जो बगैर तैयारी के आए हैं generally आए हैं तो उनसे बात करने का मौका मिलेगा. Plus हम कर पाएंगे दोबारा से उसी तरह का Gyara Number जैसा आप लोग देखना चाहते हैं. So follow me and don't switch the channel. ओके जी, मेरे भी कैमरा मैन ने फौरन आवाज लगाई, रेडी जोगी. तो अब मैं आपको इंटरव्यू कर देता हूं. अस्सलाम वालेकुम. क्या नाम है बॉय का? मोहसिन. मोहसिन, किस स्टडीज में है यहां? मैं बीबी ऑनर्स कर रहा हूं. फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान, आई वांट टू हैव माय ओन बिजनेस. माशाल्लाह माशाल्लाह. किस तरह का बिजनेस करना चाहेंगे, किस में जाना चाहेंगे, कपड़ों में, खाने में, क्या? आजकल तो एक ही बिजनेस चल रहा है गर्मियों में, जनरेटर का. जनरेटर में इन्वेस्टमेंट करनी? नहीं, इस तरह का बिजनेस नहीं, मींस के मार्केटिंग टाइप. ठीक है, मैं आपको सच्चाई बताऊंगा कि ये जो चीज इन्होंने पहनी है ये इनकी नहीं है, इनके एक दोस्त ने पहनी थी, लेकिन वो फॉरन चले गए साइड पे. लेकिन इन्होंने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया, इन्होंने कहा जी मुझे दे, मैं पहनता हूँ और मैं करूंगा. तो पर्सनली भी लाइक करते हैं ऐसी चीज? या आई लाइक दैट. मतलब ये तो टोटली मतलब के अनोखा ही हो गया ना. इसमें तो थोड़ा सा लड़कियों वाला टच है वैसे. ये वो बात थी जो मैंने इनके दोस्त को कहनी थी, लेकिन इन्होंने खुद बता दिया. इट्स क्वाइट डिफरेंट. क्वाइट डिफरेंट, दूर से नजर आता है. हां जी, फिर पास आके पता चलता है लड़का है या लड़की है. हां जी, सही है, परमानेंट है. अच्छा, घड़ी वगैरह नहीं पहनी? घड़ी नहीं पहनी. घड़ी और हेयर स्टाइल जो है, मैंने आप देखा है कि काफी आपके बाल ना मेरे ख्याल से वो है स्टिकी सी है, और आपने उनको बिल्कुल यूं रखा हुआ है. तो लेंथ में ऊपर खड़े कर लो थोड़ा. आपकी तो लुक भी माशाल्लाह, चेक पहना, येलो जीन्स. कोई गेम शेम स्पोर्ट्स वगैरह करते? नहीं नहीं, अभी ना करो, हम डर जाएंगे. वैसे कोई स्पोर्ट्स वगैरह करते? मैं जिम करता हूँ. मुझे सोमो रेसलिंग वाला जिम ही लग रहा है, मुझे कोई कष्ट तो है नहीं. वैसे बॉय फैशन क्या है? अपना अपना बताओ, आपको जो पसंद है, आपको जिस तरह की ड्रेसिंग पसंद है, आप जो घर से करते हो, ये मेरी वार्डरोब है. आई लाइक सिंपल फैशन. वेरी गुड, वो बताएं वो क्या है. सिंपल फैशन मींस कैजुअल जॉगर्स, कैजुअल जींस, रिलैक्स में यूनिवर्सिटी में जो टी-शर्ट्स एंड. ठीक है, जींस आप देख सकते हैं, ही इज अ बिग गाय, तो हम उन्हें नहीं कहेंगे स्लिम फिट पहने. और चप्पल है, अगेन यूनिवर्सिटी में रिलैक्स हो गया है. ये इनका अपना नहीं है, लेकिन जिसका भी है उसका हाथ काट देना था हमने, लेकिन वो बच गया हमसे. एनीवे जी, आज की ड्रेसिंग को आप रेट करें 1 से 11. सॉरी, 1 से लेके 11 तक नंबर दीजिएगा. वे यू स्टैंड, आपको क्या लगता है कि आप अप टू मार्क थे? 11 लग रहे हैं कि कहीं कोई लड़का है, होता ना यूनिवर्सिटी में कि यार वो लड़का इसका फैशन फॉलो करना, ऐसा होता है यूनिवर्सिटी कॉलेज में. एक लड़का होता है जो लड़कियों में फेमस भी होता है अपने कपड़ों की वजह से, और सारा सीन भी होता है. तो उसके बारे में क्या बताना है? उसके बारे में नंबर देने थे वो. चलो हम जरूर देंगे, कॉम्प्लिकेटेड हो गया काम. थैंक यू जी, इट वाज लवली टॉकिंग. बहुत पुराना दोस्त मिला जी एक. किसी कैसे हैं आप? सुनाए फाज़ जी, कैसे हैं आप? क्या कर रहा बॉय? एमबीए कर रहे हैं वैसे. एमबीए हाथ में तो सिगरेट है, बस देख रही हैं. फेंक दो जरा, कभी तो फेंक दो. कितना होने लगी एक बार बताएं तो सही. माशाल्लाह माशाल्लाह जी, क्या सीन है बॉय, किस स्टडीज में? एमबीए कर रहे हैं, मार्केटिंग के अंदर हो या एचआर के अंदर कर लेंगे आप, अगर दुआएं दें तो. ये साथ ही कर रहे हैं? ये भी साथ ही कर रहे हैं. तो थोड़ी दूर चले जाओ, फिर बाद में करते. अच्छा मुझे बताओ बॉय को, देखें जी हाथ में बैंड है, इधर वॉच है, कूल सी मस्त सी टी शर्ट है, ट्राउजर्स भी कमाल है, शूज भी आला है. वैसे नॉर्मली आपने देखा लड़के कहते हैं यार वॉच नहीं पहनी, बैंड नहीं पहनी, ये नहीं वो नहीं. तुझे कैसा लगता है कि मतलब मैं तुझे कैसे, तो मेरा दोस्त है तो अपना तू पूरा करके आया, फिर कैजुअली आया, रिलैक्स आया, तो दूसरे लड़कों को कुछ कहना चाहेगा वॉच के बारे में? यही है कि यार रिस्ट वॉच मतलब जरूरी है, बिकॉज़ यू हैव टू बी अपडेटेड एवरी टाइम. और जैसे तुझे भी पता, यू आर अ बिजी डूड, मतलब आप सीनियर ब्रांड लॉन्च, ये आप देख रहे हैं रिस्ट बैंड और घड़ियां शड़ियां सब, मतलब और वेरी टॉप नॉच है, मतलब तो जरूरी है यार थोड़ा सा मतलब कैजुअल लुक करना. अच्छा, आपको बाल जो है वो काफी करनी है और तुमने मेंटेन किए हुए, मतलब एक शॉर्ट रखे हुए, बस ऐसे ही है. तो इस तरह के अगर आपके भी बाल हैं तो आप देखें, ही इज लुकिंग क्वाइट स्मार्ट. अच्छा, ट्राउजर्स के खिलाफ हूं, इवन दो कि मेरा दोस्त है, मैं उसे कह सकता हूं कि जरा स्लिम फ्लाई पहन लेता, क्योंकि बिल्कुल एक चीज है जो मिसिंग है, वरना बॉय पूरा फिट फाज शेख ना बन जाता. हाय हाय, गुड हो गया, गुड हो गया. आज की चुम्मी, आज की ड्रेसिंग का रेट कर दो फाद भाई. मैंने क्या रेट करना है, आप रेट हम जरूर करेंगे, हम जरूर करेंगे. मेरा दोस्त अच्छे नंबर मिलेगा. थैंक्स अ लॉट. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है? हसनैन अर्शद. हसनैन भाई क्या करते हो? मैं एमबीए कर रहा हूं. ठीक है, फ्यूचर प्लान हसनैन भाई के? इंशाल्लाह गुड बैंकर. माशाल्लाह गुड लक टू यू. अच्छा हसनैन भाई, हमारा शो है फैशन के बारे में, ठीक है. आप मुझे बताओ, क्योंकि यू आर नॉट दैट यंग, कि मैं आपको टीनेजर नहीं, आप ठीक है एमबीए के स्टूडेंट है, बिट मैच्योर, तो आप लोगों की ड्रेसिंग ना हट की होती है कॉलेज स्टूडेंट से और जो यूथ है स्पेशली, तो क्या डिफरेंस लगता है आपके ज़माने में जैसी ड्रेसिंग थी वो बेहतर लगती है जो अभी आजकल फैशन है? नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि हमारी जो हमारा जो प्रोफेशन है वो बैंकिंग है, बैंकिंग है, तो बैंकिंग में क्योंकि थोड़ा सा भी आप मतलब अपनी सोफिस्टिकेशन ग्रूम करते हैं अपने आप को, उसलिए सोफिस्टिकेशन को देखना पड़ता है डेली हमें, मतलब इस चीज़ को तैयार हमें इसीलिए किया जाता है कि हम मतलब अभी जैसा बैंक में आते हैं.
तो अभी मैं थोड़ा कैजुअल हूँ, बट नॉर्मली जब हमारी प्रेजेंटेशन वगैरह होती है तो हम पूरे ड्रेस को मतलब टाई वगैरह लगाते हैं। लेकिन मैं कह रहा था कि जो आप कॉलेज लाइफ में थे, ठीक है, और उसके कंपेयर में जो आज आप कॉलेज के स्टूडेंट्स देखते हैं जो यंग यूथ है, तो कैसे लगता है? बल्कि मेरे से ज्यादा तो आप एक स्टूडेंट लग रहे हैं फिलहाल। मैं तो लग रहा हूँ जैसे आपको ड्रॉप करने आया हूँ। ऐसे ही था। अरे जी, आई रियली लव द टी शर्ट, ये जो पोलो शर्ट है बहुत कमाल कलर है, हमारे शो में आई थिंक पहली बार आपको देखने को मिलेगा, एंड विच इज आउटस्टैंडिंग। क्या नाम है बॉय? सलमान। सलमान क्या करते हैं? मैं MBA कर रहा हूँ। माशाल्लाह, फ्यूचर प्लान्स सलमान के? इंशाल्लाह मेरा अपना बिजनेस है, एग्रीकल्चर का। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं एक्चुअली जो रेजिडेंस हूँ परमानेंट, वो उकाड़ा से। माशाल्लाह माशाल्लाह, उकाड़ा, वेरी गुड। तो इससे एग्रीकल्चर में काम? जी मेरा अपना ही माशाल्लाह बिजनेस है, एग्रीकल्चर का, ट्रांसपोर्ट का। वेरी गुड, वेरी गुड। बदमाश काम है। अच्छा, इधर थोड़ा सा टीवी के सामने। अच्छा, बॉय का फैशन किस तरह का? बॉय को कैसा लगा उकाड़ा का फैशन और लाहौर का? नहीं, वैसे ऐसे वो डिपेंड करता है, वो छोटा सिटी है, बड़ा सिटी है, ठीक है, वेरी गुड। वो पास पैसा ज्यादा, पैसा बस, ठीक है। अच्छा, पैसा आपको लगता है पैसा जरूरी है या मेंटालिटी जरूरी है फैशन करने? एक्चुअली जो आजकल का जमाना है ना, वो पैसा ही जरूरी है उसके लिए, ठीक है। तो फैशन महंगा बहुत, आजकल पैसे हो गए तो फैशन करेंगे, जेब में पैसे ना हो तो फैशन कैसे करेंगे, ठीक है। वो नो डाउट। तो आप हमारे को कपड़ों में तो रहता ना, किस तरह कटिंग? नहीं, मेरी नहीं हुई। नहीं, आपके ऊपर वो बाल बड़े 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 छोटे छोटे, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, लेकिन आपका जो शौक है ना अटैक करने का, वो ही मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। हाथ में वॉच वगैरह नहीं पहने? किस चीज का शौक है? शौक बता दो थोड़े से, क्या जाने लाहौर आके कोई एक्टिविटी की है? नहीं, वैसे मैं माशाल्लाह मैंने अंडर 17 खेली है, ठीक है, मल्तान डिवीजन काड़ा की तरफ से, ठीक है। फैशन जो लाहौर के लड़कों का है, उनके लिहाज से अपने फैशन का रेट तो करो 1-2 लाख। नहीं, बस मैं इतना ज्यादा फैशन करता हूं। चलो, उनको लाहौर के लड़कों का फैशन कैसा लगता है? ये ठीक है, अच्छा है, वो अपनी जगह, हर बंदा अपनी जगह, अपनी अपना लाइफस्टाइल होता है। 1 से लेके 11 तक नंबर दे दे जी, इस चीज को समझ। 1 से लेके 11 तक तुझे क्या लगता है कहाँ स्टैंड करता है? बस ठीक है, 7, 6, 7, ठीक, हम जरूर ठीक करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।